टाइगर थ्री का कल वीडियो बनाया था, उसके बाद बहुत लोगों को कन्फ्यूजन्स और ज़्यादा हो गए थे टाइगर थ्री के, जो मैंने क्रिसमस 2023 के ऊपर वीडियो बनाया। तो वो वीडियो अगर सलमान खान के फैन हो तो वो वीडियो जाकर पहले देख लो, वो वीडियो से पूरा सेटिस्फैक्शन ले दो, बस मास लेवल पे अपडेट है उसमें, वो वीडियो देख लेना। कमिंग टू डंकी, मास लेवल पे पोर्टल्स वगैरह ये लोग सब फिर से हंगामा कर रहे हैं। मेरे को नहीं समझ आता इनको ये अपडेट्स सब वगैरह देता कौन है, ये कौन ये सब हंगामा ये बवाल मचाता है, मेरे को नहीं पता। तो मार्केट में ये अभी से नहीं, ये बहुत टाइम से 3-4 महीने से चल रहा है, और अभी तो मतलब माहौल एकदम गर्म हो गया कि डंकी इज़ बिन गेटिंग पोस्टपोन फ्रॉम 2023 क्रिसमस एंड कमिंग इन 2024। इससे बड़ा मजाक और कुछ नहीं हो सकता। अपडेट के हिसाब से मैं आता हूँ वीडियो के, थोड़ा एक दो मिनट रुक जाओ, मैं पहले थियोरिटिकली इस चीज़ को मैं मतलब रॉन्ग प्रूफ करता हूँ, उसके बाद लॉजिकली और जो अपडेट के हिसाब से उसके हिसाब से आता हूँ। 2023 में शाहरुख खान की पहली फिल्म नॉन फेस्टिवल रिलीज़ है, नो फेस्टिवल रिलीज़ है, 1000 करोड़ के अंदर घुस गई। 2023 के शाहरुख खान की दूसरी फिल्म नॉन फेस्टिवल रिलीज़ है, 1000 करोड़ के अंदर घुस गई। ये दोनों 1000 करोड़ के अंदर विदाउट फेस्टिवल घुसी है। ये होने के बाद जो सबसे जो गोल्डन सोने की चिड़िया फिल्म है ना, जो गोल्डन डायमंड फिल्म, वो है डंकी। वो तो सबसे बड़ी प्रोडक्ट एंड सबसे मेन एंड बिगेस्ट प्रोडक्ट एंड मोस्ट मतलब मार्वलस लेवल, और कुछ भी जितने भी वर्ड्स उस फिल्म के लिए उतने कम है, वो प्रोडक्ट को छिपा कर रखा हुआ है। तो वो प्रोडक्ट आ रही है क्रिसमस में, वो पहली फिल्म है ये तीन फिल्म के अंदर जो फेस्टिवल पे आ रही है। तो वो फिल्म को फेस्टिवल से उठाकर लेकर जाकर 2024 में डालेगा, जहां ऑलरेडी भीड़ भड़क्का मचा हुआ है। मजाक चल रहा है क्या? नहीं, यहाँ मजाक चल रहा है। मजाक मतलब मजाक की भी एक हद होती है। वो 1000 करोड़ नॉन फेस्टिवल में आकर मार रहा है, एक ही फिल्म है उसकी सबसे पावरफुल फिल्म, उसको वो फेस्टिवल से उठाकर वहाँ पर किसी गोचू को जगह दे देगा। बाकी सारे सड़ेले लोग फेस्टिवल में आएंगे, फेस्टिवल में 60-70 करोड़ का लाइफ टाइम कलेक्शंस करके पूरा फेस्टिवल का, पूरा छुट्टी का माँ बहन कर देंगे, पब्लिक का मूड खराब कर देंगे, पूरी फेस्टिवल की बैंड बजा कर रख देंगे। क्योंकि अभी तक फेस्टिवल्स में जितनी भी फिल्म आई है, सारी सड़ेली फिल्म ही आई है रिसेंट एक डेढ़ साल के अंदर। तो फेस्टिवल को वो छोड़कर उतनी बड़ी पूरा का पूरा बॉलीवुड का सबसे बड़ा पिक्चर है अंटिल एंड अनलेस आई एम नॉट काउंटिंग टाइगर वर्सेस पठान, सबसे बड़ा पिक्चर है, उसको वो क्रिसमस से हटाकर कहीं और। भाई बड़ा हॉलीवुड फिल्म का गांड फट जाएगा वहां पर उस फिल्म के साथ रिलीज होने के लिए। क्योंकि एज ऑफ नाउ क्या हो गया है, नन के ऊपर बुलडोजर चढ़ गया है। नन फिल्म जो कि कॉन्जूरिंग का इतना बड़ा हिस्सा, इतना बड़ा लेवल है, उस फिल्म के ऊपर बुलडोजर चढ़ गया। तो दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। एंड कमिंग टू द अपडेट पॉइंट ऑफ व्यू, ये फिल्म ना कभी पोस्टपोन का कुछ था, ना कभी वर्कलोड था, ना कुछ था। अपने टाइम के हिसाब से बनी है, अपने टाइम के हिसाब से कंप्लीट हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है फिल्म। एक शेड्यूल बचा हुआ है, वो तो कभी भी मुट्ठा खाकर सेक कर कभी भी कंप्लीट कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। डंकी इज नॉट एट ऑल पोस्टपोन, डंकी इज कमिंग ऑन 2023 क्रिसमस। ओपनिंग का बोल नहीं सकते, इट माइट बी द बिगेस्ट ओपनर, बोल नहीं सकते, लिटरली मैं कह रहा हूँ कि बोल नहीं सकते, इट माइट बी द बिगेस्ट ओपनर, 50-50 है। बिगेस्ट ओपनर मतलब पठानकोट, ये जवान है, सबको मतलब खत्म करके पार करके 85 करोड़ का ओपनिंग ले सकती है। दिस माइट बी द वन सिनेरियो। और दूसरा सिनेरियो होगा कि 60-65 करोड़ की ओपनिंग लेगी, बट सेकेंड दिन से ना, और क्रिसमस कब फॉल हो रहा है, क्रिसमस संडे को फॉल नहीं हो रहा, क्रिसमस मंडे या सैटरडे को फॉल हो रहा है आई थिंक। तो वो 5 दिन के अंदर जो होगा ना, वो इतना भयानक होगा ना, जिसको देखकर मीडिया पोर्टल्स क्रिटिक्स सब पागल हो जाएंगे। पर्सनल फेवरेट फिल्म है, सबसे फेवरेट फिल्म ये फिल्म का, और ये डायरेक्टर एंड स्टार कॉम्बिनेशन का वेट 10-11 साल से कर रहा था, 10-11 साल से, एज अ मूवी एंड सिनेमा लवर। और सिनेमा लवर इंडिया में ज़्यादा है, ना कि हेटरेड वाले लोग। और हर इंसान को पता है राजकुमार हिरानी द ग्रेटेस्ट डायरेक्टर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सिनेमा, कमिंग विथ द बिगेस्ट मूवी स्टार ऑफ इंडियन सिनेमा एज राइट नाउ। ये कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है पता है? ये कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि मतलब दो डायनासोर को बिल्लियों और मच्छरों के जंगल में छोड़ दिया है। दैट्स द थिंग आई कैन कंक्लूड।
सो डंकी पोस्टपोन नहीं, वो उसको क्रिसमस में ही आना है क्योंकि उसको वर्ल्ड वाइड वो लोग टारगेट कर रहे हैं 2200-2300 करोड़, दंगल का लाइफ टाइम कलेक्शंस वो लोग वर्ल्ड वाइड टारगेट कर रहे हैं। पता चलेगा बाद में, पता चलेगा, आता हूँ उस चीज़ में, पर वो लोग टारगेट उसी को कर रहे हैं, 2000-2500 करोड़, वही चीज़ को टारगेट कर रहे हो क्योंकि नंबर वन फिल्म का जो लिस्ट है बॉलीवुड में ऑलरेडी कॉन्क्योर कर दिया गया, नंबर वन फिल्म इन इंडिया उसको कॉन्क्योर करने के लिए पूरा का पूरा प्रेशर लगाया जाएगा और लगेगा और ख़त्म भी हो जाएगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो से, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, सब्सक्राइब वाला बटन उसको दबा दो यार, मिलते हैं अपने अगले वीडियो से।